लगा कि यहाँ भेदभाव नहीं है यार, यहाँ किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। आई थिंक यहाँ पे लोगों को जाना चाहिए। जब हम लोग गए यहाँ पे, देखिए सभी लोग माने कि मारा मारी किया हुआ कि किस तरह से मेडिसिन लेने के लिए, नंबर लगाने के लिए बहुत लंबा लाइन लगा हुआ यहाँ फिर। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा लगा यहाँ कि यार पहली बार मतलब कि मैंने बिहार में देखा कि यहाँ का हॉस्पिटल काफ़ी साफ़ सुथरा था यार, वेल मेंटेन में था। पहली बार यार दिल खुश हो गया यार। अदरवाइज पहले आता था मैं देखने के लिए साई, कभी कभी जाता था मैं तो बहुत गंदगी लगा रहता था, लेकिन इस बार मैं देखा यार दिल खुश हो गया यार कि पता ही नहीं ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो मैं चूँकि किसी भी पॉलिटिक्स व्यू से मैं नहीं हूँ मैं, लेकिन अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे मैं जब आया देखा यहाँ पे बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, मतलब कि लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। कोई रो रहे हैं, कोई मेडिसिन के लिए तो कोई बेड के लिए, काफ़ी परेशान है यहाँ पे। हर एक लोगों में मैंने देखा कि किसी के भी अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है यार, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। अब और ये आप मैंने कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि बिहार का IGIMS इतना वेस्ट कैसे हो गया यार। एकदम साफ सफाई और पूरी तरह से आप ये देखेंगे कि और लोग कोऑपरेटिव हो गए वहाँ पे। कि अब देखिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। मैं देखिए ये अंदर जाने का रास्ता था, यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं। यहाँ पे देखो एक चाचा चले, बहुत परेशान थे, शायद उनको ब्लड का नीड था। तो जब अंदर गए हम लोग तो अंदर देखिए एकदम साफ सफाई, देख रहे हो यार टाइल्स चमक रहा है यार। इतना तो खैर गवर्नमेंट मतलब कि मानना पड़ेगा यार, चमका दिया एकदम से यार, एकदम शांति यार। ऐसा लग नहीं रहा था कि यार हम लोग हॉस्पिटल में आए हुए यार, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हुए, मैंने मस्त लग रहा था यार। अब मैंने तारीफ जितना भी किया कम है यार। अब यहाँ पे हम लोग आए, देखिए यहाँ पे ब्लड मतलब कि जमा करना था लोगों को, जिसको ब्लड चाहिए था लेना था मतलब कि। फिर हम लोग अंदर में गए, अंदर जब जा रहे थे कि यहाँ पे शायद ये बाहर वाले जो पोर्शन था वो मतलब कि प्राइवेट सेक्शन से था वो। और यहाँ पे फिर हम लोग जब बाहर आने लगे ना, ये सुनिए, ये जब हम जब जा रहे थे ना तो देखा यहाँ पे रास्ता में एक देखना एक बहुत बेस्ट चीज़ मिलेगा यार कि लोग अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बढ़िया से इलाज भी आप नहीं करा सकते यार। आप मतलब कि ठीक है, मैंने अंदर में पेशेंट तो अच्छा से है, बट जो आदमी उसके साथ जो आता है अटेंडेंस के लिए यार, वो काफ़ी परेशान रहते यार। हॉस्पिटल काफ़ी अंदर में है, मेडिसिन लेना है तो रोड पे आना पड़ता है। अब ये मान लो कि 2 किलोमीटर्स आपको पैदल आपको आना पड़ेगा मेडिसिन लेने के लिए, जो कि ये काफ़ी दिक्कत होता है यार। गवर्नमेंट पे इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए कि मेडिसिन आपको अंदर में मिल जाए, ज़्यादा दूर भटकना नहीं पड़े। अब देखिए मतलब कि आप आइए कभी घूमिए, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके बाय।